हे गाइस, दिस नीरज एंड आई वाचिंग क्यू ट्रिक्स। कैसे हैं आप सभी? कल थी संडे की छुट्टी। आई होप आप लोगों ने संडे को एंजॉय किया होगा। चलिए, जो जो क्लास में है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन क्लास में है अभी, और जल्दी से सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज हम लोग सबसे पहले पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो आज रहेगा। हम लोग आज के प्रैक्टिस सेशन में परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। आज मुझे ट्रेन्स का जो सेकंड पार्ट था वो कराना था, बट मैंने सोचा कि प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन आज पहला प्रैक्टिस सेशन रहेगा। आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन में होंगे। क्वेश्चन जो नंबर क्वेश्चन आपको करना होगा वो मैं बता दूंगा, और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना होगा। टाइमर नहीं रखा है मैंने आज, टाइमर थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है, समय की थोड़ा कमी थी। तो आज जितना जल्दी आप लोग हो सके कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेशन के पहले पार्ट में, यानी पहली क्लास में प्रैक्टिस सेशन के। जो लोग आज नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, दिस इज नीरज, आई एम ए प्लस एजुकेटेड एन अकेडमी फॉर द बैंकिंग एग्जाम। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। जितने लोग भी क्लास में हैं और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग भी एज अ लाइव इसको एंजॉय कर सकते हैं सेशन को। कैसे? जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना ऑब्जर्वेशन करिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। परसेंटेज के इस प्रैक्टिस सेशन में यदि कोई पहली बार आया हुआ है, तो इससे पहले परसेंटेज के मैंने कुछ सेशन करवा रखे हैं जिनमें आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें क्वेश्चन समझा रखे हैं, तो उनको पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन को मैं दोबारा क्लियर कर दूं। क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करना आपको क्वेश्चन होगा, उसके बाद कमेंट में जल्दी से आंसर करना होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, चलिए, गॉट इट एवरीवन? तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट दीजिएगा, मैं क्वेश्चन वाले पीडीएफ की तरफ स्विच कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, पीछे आपके सामने पूरे क्वेश्चन से क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है विजिबिलिटी थोड़ा सा हो सकता है कम हो। ठीक है, तो मैं जूम कर दूंगा, यदि पॉसिबल हो तो क्वेश्चन में जूम कर दूंगा, आप लोगों को आंसर बताना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करना आज की क्लास। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा चुका हूँ और मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, आपको विजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से पढ़िए। इफ 60% ऑफ द बॉयज इन अ स्कूल आर स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। आपके पास चार ऑप्शन है, 1258, 1458, 1324 और 1624। चलिए क्विकली, जो लोग भी क्लास में है जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्विकली सॉल्व करिए गाइस, कम ऑन, कर सकते हैं आप सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अटेम्प्ट, है ना? यदि आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा पहले। फिलहाल इस क्वेश्चन को कोशिश करिए सॉल्व करने की, जितने लोग भी लाइव हैं क्विक। चलिए कम ऑन गाइस, जल्दी से ऑप्शन अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। मुझे पूरी तरह से नजर आ रहा है कि विजिबल आपको क्वेश्चन है, बहुत बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए क्विकली सॉल्व करिए। सुमंत बी, 1458, ओके सुमंत और बबीता का आंसर आ गया है। चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवाते हुए चलूंगा जल्दी से। ठीक है, देख क्या कह रहा है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल आपसे पूछा गया था। विक्रम का आंसर भी 1458 आ गया है। तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, यहाँ पे लिखना इज नॉट सो ईजी, फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए मैंने आपको बताया था कि जो 100% की वैल्यू होगी वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। ठीक है, थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो 100% आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। तो 100% में से 60% क्या है भाई, 60% बॉयज हैं, तो जो बाकी बची 40% होंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, गर्ल्स का नंबर कितना दे रखा था आपको, 972 दे रखा था, यानी जो 40% की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 972 हो जाएगी। आपको निकालनी कितनी की, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, यानी आपको 60% की बॉयज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 972 अपॉन 40 इंटू 60 आपको करना।
ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1458 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60, the number is। जो भी लोग क्लास में अभी जुड़ रहे हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, पहला प्रैक्टिस सेशन आज रहेगा जिसमें हम लोग परसेंटेज करेंगे। आज ट्रेन कराना था मुझे, ट्रेन का सेकंड पार्ट, बट मैंने सोचा कि परसेंटेज आप लोग भूल ना जाएं, तो प्रैक्टिस सेशन भी होना जरूरी है, इसीलिए आज चल रहा है परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन। तो 58th क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 58, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। व्हेन 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज, वो नंबर क्या है। वेरी गुड, बबीता ने सबसे पहले आंसर किया है डी, दैट इज 200। ओके, डी इज 200। चलिए आई एम वेटिंग फॉर ऑल द आंसर, सभी लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड बबीता, ठीक है, चलिए क्विकली सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, क्विकली सॉल्व करिए गाइस, कम ऑन। विक्रम और सुमन सॉल्व करिए, चलिए बहुत टाइम हो गया है, विक्रम का भी आंसर आ गया है 200। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन को करना था, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं या जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए, व्हेन 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 60% ऑफ अ नंबर, जब भी मैंने आपको परसेंटेज क्वेश्चन कराए हुए हैं उसमें मैंने आपसे बोला हुआ है कि जो नंबर आप एज्यूम करेंगे उसको आप 100% के इक्वल लेंगे। क्या लेंगे? 100% के इक्वल वो नंबर हो जाएगा, यानी वो नंबर कितना होगा, 100% होगा। तो उस नंबर का जो 60% होगा तो ऑब्वियसली 60% ही होगा। तो क्या बोला जा रहा है कि जब 60 को हम 60% में से माइनस करते हैं तो रिजल्ट भी 60 आता है। इसका मतलब क्या है कि जब 60% में से 60 को माइनस करते हैं तो हमारा 60 ही आता है, यही तो बोला गया है। तो जो 60% की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 60+60, यानी 60% की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 60% की वैल्यू 120 हो जाएगी। आपका क्या निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 120/60 × 100। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो 200 आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है आज, तो बिल्कुल एकदम क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका सेम क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कम ऑन गाइस जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 59, कर सकते हैं आप लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, व्हेन 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर आपको निकालना है। थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, बबीता का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 300। वेरी गुड बबीता, चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करना था आपको। हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं कहूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करिए, बबीता ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से जल्दी, क्विक गाइस। जो लोग भी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट क्लास हमारी आज है, और इसमें हम लोग परसेंटेज के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करना है और आंसर बताना है। चलिए सोल्यूशन, प्रैक्टिस सेशन में क्या रहेगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना होगा और जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करना होगा, और मैं जल्दी से उसका सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत अच्छे से नहीं समझाऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, बहुत स्लो नहीं चलेंगे प्रैक्टिस सेशन में। चलिए क्विकली सॉल्व करिए, बबीता का ही केवल आंसर आया है और किसी का आंसर मुझे नहीं दिख रहा है स्टिल। देखिए क्या बोला गया है, व्हेन 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। तो नंबर क्या है भाई, नंबर हम लोग 100% एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 75% में 75 ऐड करेंगे, तो 75% में आप यदि 75 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेम नंबर, यानी 100% आएगा। क्या आएगा, 100% ही था वो नंबर। 100% में से आप 75% माइनस कर दीजिए, यानी जब 75 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 75 हो गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, आपको क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 25 × 4 होता है,
25 इंटू फोर होता है 100, तो यहां से भी आप इंटू फोर कर सकते हैं। अब देखिए 75 इंटू टू आपका क्या होता है, 75 इंटू टू आपका होता है कितना, 150, 150 का डबल इज 300। इसको चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 25 और 75 में क्या रिलेशन है, 25 3 जा 75, यानी यहां पे इंटू 3 में जा रहे हैं, तो आप यहां से भी यहां इंटू 3 में जा सकते हैं, यानी 100 इंटू 3 इज 300। ठीक है, क्लियर है सभी को, बहुत ज्यादा स्पेस यहां पे नहीं होता है तो मैं बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करिए गाइस जल्दी से। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर आपसे बोला गया है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, जो छोटा नंबर है वो 20 है, तो लार्जर नंबर क्या होगा, चलिए क्विकली सॉल्व करिए। कम ऑन गाइस, वेरी गुड, चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए क्विकली, जो ट्रिक्स आपको सिखा रखी हैं बबीता 25। ओके चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व किया है बबीता, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 100% एज्यूम करके या एक्स एज्यूम करके? विक्रम 20 कैसे किया है मुझे एक बार, मैं जानना चाह रहा हूं कैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जल्दी से बताइए। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, x एज्यूम किया है या 100% एज्यूम किया, कैसे किया है? चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, कैसे सॉल्व किया है। मैंने x assume करके, विक्रम ने भी x assume करके, but made mistake, no problem. बबीता, how did you solve this question? चलिए यदि x से करना हो तो आप कैसे करेंगे? The difference of two numbers is 20% of the larger number if the smaller number is 20. देखिए smaller number आपका 20 है, ठीक है, larger number को आप x assume कर लीजिए, मान लेते हैं assume करने के लिए larger number थी, आपने x assume किया है, तो x का 20% कितना हो जाएगा, x का 20% x by 5 हो जाएगा। क्या बोला गया, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यदि लार्जर नंबर x है और आपका स्मॉलर नंबर 20 है, तो लार्जर माइनस 20, x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी x अपॉन 5 हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, तो x बाई 5 हो जाएगा। बिल्कुल बबीता, x एज्यूम करके कर सकते हैं, तो x माइनस 20 की वैल्यू x बाई 5 हो जाएगी, तो जब इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिस सेशन में मैंने पहले ही कहा है, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन में नहीं करवाऊंगा, बस आपको तरीका बता दूंगा, बाद में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 61, कम ऑन क्विक, बहुत जल्दी करना है क्वेश्चन सब, एक मिनट दीजिएगा, 61 चला गया थोड़ा सा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करिए, इंग्लिश में लिखा आ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, तरीका मैंने बता रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेशन में करवा रखे हैं। वेरी गुड बबीता, सबसे पहले बबीता का आंसर आ रहा है 66.66%, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए कल जल्दी सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया, जल्दी और सही कोशिश करिए।
कम ऑन जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए। ए की जो इनकम है बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। ये वाला सर 100% किया है जैसा आपने सिखाया था। यस बबीता बिल्कुल मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सही किया है और आपने, और आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है, वेल डन। बाकी लोग भी कोशिश करिए, बहुत बढ़िया स्पीड है, आप सारे क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले कर रही हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी कोशिश करिए, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए। चलिए क्या बोला गया कि ए की इनकम 40% लेस है किससे, बी से, यानी कि बी को हम 100 अज्यूम कर लेंगे, यानी बी को यदि हम 100% अज्यूम कर लेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 40% लेस का मतलब 60 हो जाएगा। हाउ मच बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, क्या बोला गया, ए इज इनकम इज 40% लेस, यानी ये बी यदि 100 है तो ए आपका कितना है 60 हो गया। क्या बोला गया है कि बीज इनकम इज मोर देन है, कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, ए से कंपेयर कर रहे हैं, ए आपका 60 हो गया, यानी 40/60 × 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2×22×23×200/3 हो जाएगा, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66.66%, 666 आगे चलता रहेगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे क्या सॉल्व, देखते हैं टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 62 भी करवा रखा है मैंने, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 62 भी सॉल्व करवा रखा है मैंने आप लोगों की क्लासेस में। चलिए जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, वीडियो को आगे बढ़ा के पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इवन टाइम जो लाइव लर्नर्स को मिल रहा है वही टाइम आपको भी मिल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में आप लोग भी कोशिश करिए सॉल्व करने की। और अभी है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेशन है आज, जो लोग जुड़ रहे हैं रेगुलरली उनको मैं बता दूं कुछ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है परसेंटेज का, क्विक, आज काफी सारे स्टूडेंट्स काफी सारे लर्नर्स मिसिंग हैं क्लास से, संडे के बाद जो मंडे आता है, संडे के बाद तो मंडे आता है, मुझे लगता है संडे की थकान जो है वो रह जाती है। देखिए आप जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपके स्क्रीनिंग के एग्जाम में, ठीक है, अब ये मान के चलिए कि 4 में से सिर्फ एक स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाला है, या वो भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया है, ठीक है, कम से कम मुझे लगता है 10 में से 1 शायद हो, जितनी भी वैकेंसीज आपकी हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही कम लोग स्क्रीनिंग क्वालिफाई करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग उन्होंने बाद में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि वो छटनी कर सकें, तो छटनी से बचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नहीं हो रहा है, मैं सॉल्व करवा देता हूं। चलिए देखिए, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और 50% ऑफ द थर्ड नंबर, ये तो मैंने करवा रखा है क्वेश्चन में, आ जाना चाहिए था। क्या बोला गया है भाई, थर्ड नंबर यदि आपका 100 है, मैं यहाँ पे थर्ड नंबर लिख रहा हूँ, थर्ड नंबर यदि 100% है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और 50% ऑफ द थर्ड नंबर, तो पहला नंबर 20 हो गया और दूसरा नंबर 50 हो गया, क्यों, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है, ठीक है। विक्रम 40, सुनीता गुड इवनिंग सुनीता, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, दीपक भी आज मेरे ख्याल से क्लास में पहली बार है, प्रैक्टिस सेशन परसेंटेज का हम लोग कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं एग्जाम में, हाँ एग्जाम कह रहा हूँ क्लासेस में, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए नमस्कार सर, तो 100 इज द थर्ड नंबर और फर्स्ट 20 हो जाएगा और सेकंड आपका 50 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, ऑफ द सेकंड यानी कंपेयर किससे कर रहे हैं आप, सेकंड से कर रहे हैं, यानी जो पहला नंबर है वो सेकंड का कितना परसेंट है, 40 आंसर किया है विक्रम ने आपसे, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 आपसे पूछा गया है, यानी 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 20 × 50 20/50 × 100 आप करेंगे तो 52 हो जाएगा, 2×2=4, यानी 40%, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार क्लास में हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो हमारा स्पेस है, स्पेस इतना कम नहीं रहता है रेगुलर क्लासेस में, ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा कर पाए और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। चलिए जो लोग क्लास में पहली बार है वो लोग पुराने सेशन जरूर देखिएगा, परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 63 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करिए जल्दी से, कम ऑन क्विकली सॉल्व करिए, चारों ऑप्शन आपके सामने मेरे ख्याल से आ गए हैं, लेकिन एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चंस क्वेश्चन आपके सामने है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% और 20% लेस देन द थर्ड नंबर, ध्यान दीजिएगा इस बार लेस इंट्रोड्यूस किया गया है, पिछली बार लेस नहीं था,
ठीक है, चलिए क्विक गाइस सभी लोग सॉल्व करिए. टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर. व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड? चलिए गाइस जल्दी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी जल्दी करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया, उतना अच्छा होगा. सॉल्व करिए 63rd क्वेश्चन. और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ, बहुत तेजी से बता रहा हूँ, वो लोग अपना जरूर जो है परसेंटेज के जो बेसिक हमारे सेशन हैं, शुरुआत मैंने परसेंटेज से ही की थी, उनको जरूर एक बार पूरा देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं सुमंत, ऑप्शन नंबर डी के साथ गई है बबीता. सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए. सुनीता, विक्रम, दीपक, सिंटेक्स इंग्लिश कोचिंग, सुजीत सर क्वेश्चन सॉल्व करिए क्विकली. विक्रम भी गए ऑप्शन नंबर डी के साथ. चलिए तीन लोगों का आंसर आ गया है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ. टू नंबर ऑप्शन नंबर डी का मतलब 93.3/4% है ना. चलिए टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर. व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड? यानी किससे कंपेयर करोगे आप? सेकंड नंबर से कंपेयर करोगे. बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. थर्ड नंबर से कंपेयर किया गया, थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. 100% या 100 बात एक ही है. तो टू नंबर 25% एंड 20% लेस, तो 100 से 25% लेस का क्या मतलब है? 75. 20% लेस का क्या मतलब है? 80 है ना. यानी फर्स्ट नंबर 75, दूसरा नंबर 80 और तीसरा नंबर 100%. जो ये जिसको समझ में नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूँ, परसेंटेज के सेशन जरूर देखिए. क्या बोला गया? व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर? सेम क्वेश्चन. यानी 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? यानी क्या करना है आपको? 75 अपॉन 80 इनटू 100, यही करना था. जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 5s are 10 हो जाएगा और 2 4s are 8 हो जाएगा. ठीक है, तो 5 5s are 25 कैरी 2 और 5 7s are 35 और 2 37, 375 upon 4. देखिए अपॉन 4 वाले दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो 9 4s are 36 होता है, तो ये बहुत नियर है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा. आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. 9 4s are 36, 4 9 4 3s are 12, 9 4s are 36, बिल्कुल 375 upon 4 ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा? आंसर होगा. ठीक है, चलिए 64th क्वेश्चन. 64th नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट रुकिएगा. 64th नहीं करना है, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, वेट एक सेकंड वेट करिएगा. ठीक है, देखिए पूरी पीडीएफ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, टाइम नहीं मिला कि मैं पूरा आपको वहां पे कन्वर्ट करा सकूं. तो 65th क्वेश्चन करेंगे आप लोग. चलिए कम ऑन, 65th क्वेश्चन करना है. 65 जल्दी से. इफ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 504 द नंबर ऑफ बॉयज. बिल्कुल दोबारा से वही क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर करता है. 65th क्वेश्चन. इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 504 द नंबर ऑफ बॉयज इज. जल्दी से सॉल्व करिए. If 70% of the students in a school are boys and the number of girls be 504, पहला जो क्वेश्चन था 59th क्वेश्चन, वो भी सेम था. सभी लोग जितने भी लोग क्लास में हैं क्विकली सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हम लोगों को आए. सबसे पहले बबीता का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए. अपने आप को मोटिवेट रखिए, सॉल्व करिए, परसेंटेज के सेशन को बार बार देखिए, क्योंकि परसेंटेज ही बेसिक है. जिस बिल्डिंग को आप बनाने वाले हैं ना एग्जाम में, आप ये समझिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका बिल्डिंग है. यदि आप उस बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं एग्जाम में और उस बिल्डिंग को आपको बहुत अच्छा बनाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से 25 नंबर वाली बिल्डिंग बनानी है, तो उसका बेस कितना स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं. और उस बेस को हम क्या नाम देते हैं? उस बेस को हम नाम देते हैं परसेंटेज. ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ सब लोग गए हैं, वेरी गुड. इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 504 द नंबर ऑफ बॉयज. आपको बोला गया है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? 100% के इक्वल हो जाएंगे. 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो 70 यदि बॉयज हैं तो ऑब्वियसली 30% आपके क्या होंगे? 30% आपकी गर्ल्स होंगी. नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दे रखी है आपको? 504 दे रखी है. इसका मतलब है कि जो 30% की वैल्यू है, दैट इज 504. आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना. इट मींस यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 70%. तो 70% की जो वैल्यू हो जाएगी, दैट वुड बी 504 अपॉन 30 इनटू 70. ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल करिए. कैलकुलेशन करना इज योर वर्क. मैं हमेशा कैलकुलेशन करके नहीं दूंगा, ठीक है, खासकर प्रैक्टिस सेशन में तो बिल्कुल नहीं. तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. ऑप्शन जो आपका होगा, दैट इज 1176 वुड बी योर आंसर. गॉट इट एवरीवन? वेल डन, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करना है. चलिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग.
कोई भी दिक्कत नहीं है सेम क्वेश्चन करने में हमको, क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। चलिए प्रैक्टिस होनी है, क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 66, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 66। बबीता 80%, वेरी गुड बबीता, बिल्कुल बहुत बढ़िया बबीता, प्रैक्टिस कर रही हैं आप, वेल डन। सभी लोग आंसर करिए, कम ऑन, प्रैक्टिस सेशन में तो सबको लाइव रहना है भाई। यदि कोई अभी रिकॉर्डेड देख रहा है तो मैं उनको बता दूं, जब भी अगला प्रैक्टिस सेशन होगा तो लाइव जरूर रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस लाइव करने में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है? यहाँ पे स्पीड से हम लोग चलेंगे तभी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ बबीता गई है। बबीता सिर्फ आप या तो आंसर लिखें या ऑप्शन लिख दें, सी बी डी ए बी सी डी, ठीक है? दो कमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है कोई, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दें, दैट वुड बी फाइन। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग कोशिश करिए जल्दी से आंसर करिए। ओके वेरी गुड, सुमंत का भी आंसर 80 आ गया है, वेल डन सुमंत। चलिए सुजीत सर, विक्रम, सभी लोग आंसर करिए, वेल डन, बहुत बढ़िया। विक्रम का आंसर नहीं आया अभी तक, और भी लोग क्लास में मुझे दिख रहे हैं बट आंसर नहीं कर रहे हैं, कोशिश करिए गाइस। और यदि दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे तो सोल्यूशन करवा ही रहा हूँ, साथ ही आपको जो परसेंटेज के सेशंस हैं उनको जरूर देखिए। देखिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, यदि 25 नंबर स्कोर करना है तो आप पूरे यूट्यूब में देखिए, आपको कहीं पे भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको 25 नंबरों के लिए, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? उत्तराखंड लेक्चरर के आप वीडियोस देखेंगे तो आपको कोई जीएस पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट का जीआईटी वाला सेक्शन जो 25 नंबर आपके पूरे ला सकता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि जो बाकी सेक्शन है आपका, मैं हर सेक्शन की, हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो बाकी सेक्शन है वो लर्न करने वाले हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो ये वाला सेक्शन है ये सिर्फ प्रैक्टिस का सेक्शन है। इसमें आप कुछ रट के नहीं जा सकते, कुछ आप याद करके नहीं जा सकते। तो इस सेक्शन में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। जीएस आप याद कर सकते हैं, उत्तराखंड जीके आप याद कर सकते हैं, सारी चीजें, हिस्ट्री वगैरह जो भी सिलेबस में आपके है आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन लर्न एंड यू हैव टू लर्न दैट, बट इस सेक्शन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? तो सेशन को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, आपसे बोला गया है। क्या बोला गया? टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर बाय 20 एंड 50, तो अगेन हमारा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 20% मोर। ध्यान रखिएगा तीन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक टू नंबर्स आर 20 एंड 50, टू नंबर आर लेस देन 20 और 50, टू नंबर आर मोर। तो तीन टाइप के क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो मोर 20% मोर का मतलब है पहला नंबर आपका 120 हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका 150 हो जाएगा। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट, यानी 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, यानी 120 अपॉन 150 इनटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 4 3 5 5 2 10 हो जाएगा, 4 2 8, यानी 80% ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Got it everyone? सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सेम क्वेश्चन है लेकिन जो डेटा है वो आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल बेहिचक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं जो अननेसेसरी चीजें हैं वो इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलिए जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 67 क्विक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको विजिबल नहीं है, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो दिस इज 75%, ऑप्शन नंबर सी इज 75%। मैं एक क्वेश्चन को और ऊपर करूंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12 1/2% एंड 25% मोर, ध्यान रखिएगा, मोर देन अ थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, आपसे बोला गया। चलिए क्विकली जल्दी से सब लोग सॉल्व करेंगे। सुजीत सर, बबीता, सुमंत, विक्रम, सभी लोग जल्दी से क्विकली आंसर करिए। सुनीता, दीपक, जो भी लोग क्लास में है क्विकली सॉल्व करिए। इट्स नेसेसरी टू रीड दिस सेक्शन, इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सेक्शन में, इस सेक्शन को आप याद नहीं कर सकते, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, फ्रैक्शन में वैल्यू है, घबराना नहीं है, हो जाएगा। चलिए कम ऑन क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है सेक्शन का। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखिए आज ही कम से कम 59 से हमने शुरू किया तो 8 क्वेश्चन तो हो गए हमारे, आधे घंटे में 8 क्वेश्चन हो गए, अभी तो और टाइम बचा हुआ है। सुमंत ने सबसे पहले आंसर किया है डी, यानी 90% सुमंत कह रहे हैं। चलिए बाकी लोग जल्दी से बताएं, बबीता भी 90% कह रही है, और भी जो लोग क्लास में है क्विकली सॉल्व करें एंड आंसर बताएं। चलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग पहली बार क्लास में है, प्रैक्टिस सेशन में मैं बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको करनी है प्रैक्टिस। सीखने के लिए आप रेगुलर क्लास में आइए और रेगुलर क्लासेस की वीडियो को देखिए, ठीक है?
बहुत जरूरी है उन वीडियोस को देखना। अभी टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12 1 by 2% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। वही तरीका रहेगा आपका, 12 1 by 2% से जितने लोग घबरा रहे हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए। 12 टू 24 यानी 12 दुनी 24 और 1 25 बट्टा 2 यानी 25 by 2। 25 by 2 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है, 12.5% होता है। यानी कोई नंबर यदि 100% है थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर उससे 12.5% ज्यादा है। यानी फर्स्ट नंबर कितना है, 112.5 हो गया फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर 125% ज्यादा है, यानी 125। समझ में आया? देखिए डिपेंड करता है, कई बार मैं आपसे कहता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करिए, कई बार मैं आपसे कहता हूँ कि पॉइंट में सॉल्व करिए। अब यदि मैं फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करता तो ये 24 बाई 2 हो जाता, फिर मुझे 100 में ऐड करना पड़ता, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती। सही हो रहा है सर स्पीड, ओके बिल्कुल दीपक, सॉल्व भी करिए दीपक, आंसर भी करिए। तो 12.5% हो गया आपका, है ना, तो 12.5 में ऐड करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। तो क्या निकालना है, फिर से वही, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, नहीं वही क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को यहाँ पे वो चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, तो जिसके साथ ऑफ आ गया, ठीक है, या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, उसी से आप कंपेरिजन कर रहे हैं, वही आपका डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 112.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125 आपको निकालना है, तो 112.5 अपॉन 125 इनटू 100 आपको करना था, 25 4s are 25 5s आपका हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, 0 यहां कर दीजिए, 5 से उसको कट कीजिए, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 4 5s are 20, 4 2s are 8 और 2 आपका 10 कैरी 1 हो जाएगा, 4 2s are 8 और 1 9, अपॉन में आपका 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 है मतलब, और 90 हो गया, 0 का मतलब यहां पे 10 है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जल्दी करवा रहा हूं मैं, 90% यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने सही आंसर किया है वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ब्लैंकेट के नीचे हूं तो पेन चला नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं दीपक, ठीक है, ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, सॉल्व करिए, कम ऑन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 68 गाइस क्विकली सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रैक्टिस सेशन में आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, यदि कोई दिक्कत है, स्पीड तेज हो रही है किसी को, तो कोई भी इशू है तो जरूर बताइएगा। हाउ वाज द सेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 68, इफ 60% ऑफ ए'ज इनकम इज इक्वल टू द 75% ऑफ बी'ज इनकम, देन बी'ज इनकम इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए'ज इनकम, द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब बेसिकली आपको निकालना है कि जो बी की इनकम है वो एक्स की इनकम का कितना है। चलिए क्विकली क्विकली सॉल्व करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, हेल्प क्या होगी और उनकी हेल्प ज्यादा हो जाएगी जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं आई होप। चलिए कम ऑन गाइस जल्दी से सॉल्व करिए, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मुझे पता है कई लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जो लोग अभी परसेंटेज या इस सेशन में पहुंचे हुए हैं, आपके सामने बहुत सारे सेशन पेंडिंग हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी देखिए और सीखिए, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। 21 मार्च को आपका पेपर है, विक्रम का आंसर आ गया 80 यानी ऑप्शन नंबर सी, बबीता गई ऑप्शन नंबर सी के साथ 80 में। चलिए जल्दी से सब लोग सॉल्व करिए, सुमंत सुजीत सर यदि आप लाइव हैं तो, ठीक है, If 60% of A's income is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to X percent of A's income. Basically, B's income is what percent of A's income? निकाल दीजिए, है ना? A की आय के X प्रतिशत के बराबर है, तो B की आय A के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये आपको निकालना है। B की आय A के, यानी A से compare कर रहे हैं। तो if 60% of A's income is equal to 75% of B's income, basically 60% of A's income, ठीक है? 60% of A is equal to 75% of B आपसे बोला गया है। 75 of B आपसे बोला गया, यही आपसे कहा गया है, ठीक है, समझ में आ गया? 60% of A is equal to 75 of B बोला गया है। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए रेशियो निकाल सकते हैं यहां से, कैसे रेशियो निकलेगा, A को B, B को नीचे लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा A upon B is equal to 75 upon 60, ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 15 5s are 15 4s are, तो A की वैल्यू आप 5 एज्यूम कर लीजिए, B की वैल्यू 4 एज्यूम कर लीजिए, मैंने क्या कहा यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा है, A की वैल्यू 5 हो गई, B की वैल्यू 4 हो गई, आपसे क्या पूछा गया कि B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, यानी 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, यानी 4 अपॉन 5 into 100, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8, 80% आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व नहीं करेंगे,
टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20%। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे, 69 नहीं करेंगे, वो आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ उसी को सॉल्व करना है केवल, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्विकली सॉल्व करिए गाइस, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे सेशन को थोड़ा सा लंबा खींच पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करना है। चलिए, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, देन द रेशियो ऑफ टू नंबर इज। चलिए क्विकली सॉल्व करिए, रेशियो ऑफ टू नंबर्स यानी पहले और दूसरे नंबर का रेशियो बताना है आपको। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही करने वाला क्वेश्चन है। जल्दी सॉल्व करिए, कम ऑन गाइस, जल्दी सॉल्व करिए क्विक। वेरी गुड, वेरी गुड, सी सी ऑप्शन यानी 4:5, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, 20% एंड 50% मोर आपसे बोला गया है, यानी थर्ड नंबर यदि आपका 100% है तो पहला नंबर 120 है, दूसरा नंबर 150 है, रेशियो निकालना है, यानी 12/15, 3 4 3 5 4/5, यानी 4:5 आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड दीपक, ओरली क्वेश्चन किया है आपने दीपक, मैं समझता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 71, ओके चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 करिए गाइस क्विकली, क्वेश्चन नंबर 71 भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अननेसेसरी चीजें आपके लिए रेज करता रहूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्वेश्चन नंबर 71 भी कर सकते हैं आप लोग क्विकली। बिल्कुल दीपक, मैंने तो कहा ही आपका आंसर देखते, आपने भी आंसर कर लिया और ओरली आपने सॉल्व किया है, पेना बिना पेन पेपर चलाए, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करिए क्विकली। Come on guys, 15% of 45% of a number is 105.3. What is the 24% of that number? Quickly solve करेंगे, जल्दी से। Come on guys, quickly, जल्दी से। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जो बुक है आप लोगों को दिख गया होगा, राकेश यादव सर की बुक है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दिस टीचर, इनसे काफी कुछ सीखने को मिला है, इनकी बुक है, बहुत ही, ये एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं दिल्ली में, उन्हीं की बुक है ये, ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहां पे, ऑनलाइन भी अब आए हैं लेकिन अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाते हैं अब इनकी खुद की वहाँ पे कोचिंग है तो ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया मैथ्स के टीचर हैं लेकिन एसएससी एग्जाम के हैं, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके हैं बहुत आपके एग्जाम के लेवल के हैं। चलिए जल्दी से बाकी सब चीज़ छोड़ते हैं, सी आंसर किया है सुजीत सर ने, ओके सर वेरी गुड, 390 आपने सबसे पहले आंसर किया है, गलत हो सही हो सर फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आप में जो स्पिरिट है क्वेश्चन को सबसे पहले करने की, दैट इज अ वेरी अप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया सर। चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहता, वेट नहीं करते हैं, 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर, ठीक है, तो 15% का मतलब है 15/100, 45% का मतलब है 45/100, सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है 105.3 दे रखी है, दे रखी नहीं दे रखी है, आपको 24% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है, अब 24% की वैल्यू निकालनी है तो 24/100 की, पहले इसको सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व कर लीजिए या तो, ठीक है, 15% 15/100 into 4500 की वैल्यू 105.3 दे रखी है, आपको 24/100 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105.3 into 100 upon 15 into 45 हो जाएगा, आपको 24/100 की वैल्यू निकालनी है तो into 24/100 कर दीजिए, ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, 5 3 15, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 8 24 और 15 3 45, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये 1053 तो 3 5 और 6 3 से कट हो जाएगा, 3 3 9, स्पेस कम है, मुझे लगता है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है लेकिन हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, 351 into 2 into 8 अपॉन कितना बचा आपका, 15 बचा, देखिए फिर ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 5 15 होगा, 3 1 3 3 2 3 1 3 और 3 7 21, ठीक है, ये 5 हो गया,
तो मुझे लगता है कि 117 इंटू 2 इंटू 8 और अपॉन में 5 है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉइंट में आएगी, नहीं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है सर, आपका गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ट्राई किया, दैट इज अ गुड थिंग। अपॉन में 5 है तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा पॉइंट में होगा। देखिए कितना होगा, 8 2 8 2 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 117 इंटू आप 16 करेंगे पहले या फिर अपॉन 5 करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए या बी में से कुछ होना चाहिए। मैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आपको सॉल्व करना है। अब आप कर सकते हैं 16 7 112, ठीक है 16 7 112 हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल बबीता का आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मोटिवेट रहना है क्वेश्चन को करने के लिए, परसेंटेज सीखना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करना है अब हमको। क्वेश्चन नंबर 72 लेफ्ट राइट साइड में आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 72। चलिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत करवा रखे हैं आपको, ठीक है, जो अननेसेसरी चीजें हैं, लाइक ऑलवेज आई एम इरेजिंग ऑल द थिंग्स। चलिए बहुत बढ़िया, एज आई सेड ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 विजिबल है, मुझे लगता है पूरी तरीके से विजिबल है, लेकिन ऑप्शंस विजिबल नहीं हो रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूं ऑप्शन। ठीक है, 7% 21% 28% है आपका ऑप्शन नंबर सी और 35% है ऑप्शन नंबर डी। चलिए कम ऑन कम ऑन गाइस, सॉल्व करिए क्विकली, सॉल्व करिए, कोशिश करते रहिए सर, वीक कोई नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए कम ऑन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज रुपीज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स इज। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहा जाए तो। सॉल्व करिए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। चलिए क्विकली सॉल्व करेंगे गाइस, जल्दी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए कम ऑन, 7% 28% 21% 35%, क्या आपका आंसर है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए सब लोग। विक्रम गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 7%। चलिए बाकी लोग सुमंत बबीता, चलिए मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको, आपको क्या करना है। देखिए 13,500 उसकी अभी की अर्निंग है, ध्यान दीजिए सब लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे, मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। 13,500 उसकी मंथली अर्निंग होगी और जो एक्सपेंडिचर है वो 9,000 है। ठीक है, 9,000 है तो उसकी सेविंग कितनी होगी भाई, 13,500 रुपए वो कमा रहा है और 9,000 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो उसकी जो बचत होगी वो 13,500 माइनस 9,000 होगी, है ना, और 9 4 13 होगी, यानी 4,500 उसकी क्या है, सेविंग हो गई। ठीक है, 4,500 उसकी सेविंग हो गई। अब क्या पूछा गया, नेक्स्ट ईयर उसकी जो अर्निंग है वो 14% बढ़ाई गई है, तो भाई 13,500 इंटू 114 कर दीजिए, यानी 135 गुणा 114 कर दीजिए तो आपकी नेक्स्ट ईयर की अर्निंग आ जाएगी, यानी 13,500 का 114% आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। देखिए ध्यान दीजिए, 13,500 उसकी अभी की अर्निंग है, ठीक है, समझ में आ गया, 9,000 रुपए वो खर्च करता है, तो ऑब्वियसली बचाता कितना होगा, इतने में से इतना माइनस करेंगे 0 0 5 और 4, ये उसकी सेविंग है, ये सेविंग हो गई, ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट ईयर उसकी जो अर्निंग है वो 14% बढ़ गई, तो 14% बढ़ाने का मतलब है 135 इंटू 114 कर देंगे, परसेंट निकालना है ना, तो अपॉन 100 से 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप शॉर्टकट करना सीखिए आप लोग।
ये जो वैल्यू भी है, जो भी वैल्यू भी आएगी उसकी क्या होगी, अर्निंग होगी। फिर क्या कहा जा रहा है, उसका एक्सपेंडिचर भी 7% बढ़ गया। 7% बढ़ने का मतलब आपको क्या करना है, 90 × 107 करना है, 90 × 107 करना है, ठीक है। क्यों, 9,000 का 107% निकालेंगे, अपॉन में 100 रहेगा, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टोटल सेविंग आ जाएगी। तो जल्दी से मुझे कौन बताएगा कि 135 × 114 कितना आया, 135 × 114 कितना है, जल्दी से 135 × 114, क्विक क्विक कम ऑन, 135 × 114 कौन बताएगा, 28। ओके दीपक का आंसर आ गया 28। चलिए 135 × 114 बताइए कितना आ रहा है, 125। अच्छा 135 होना चाहिए बबीता, मुझे लगता है आपने मिस टाइप किया है। तो ये आपका आ रहा है 15390, ठीक है। और 9 से तो मल्टीप्लाई करना, 55390, दिस इज, दोनों का आंसर अलग अलग है, 5 किसको सही माना जाए। चलिए कोई एक और आंसर करिए, दोनों जने चेक करके दोबारा बताइए, 15390 आ रहा है या मुझे ही करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए ये काम तो आप लोग कर सकते हैं भाई, ये काम तो आप ही से करवाऊंगा मैं। 135 × 114 कितना हो रहा है, क्विकली दोनों का आंसर अलग अलग आ गया, मैं किस पे विश्वास किया जाए, 15, ठीक है, डिफरेंस तो काफी है भाई, 15 तो नहीं, 15390 विक्रम का भी आ रहा है। क्रिश आपको दोबारा आंसर चेक करना चाहिए, क्रिश यू शुड चेक योर आंसर, आपने 55 लिखा है। और 90 × 107, 90 × 107 क्या होगा भाई, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63, और 9 1 9, ओके मैंने लिख दिया है गलत, और ये हो जाएगा आपका 9 1 9, 9 6 30 आना चाहिए, 9 6, एक सेकंड दीजिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए सर 15390, ये सभी का 15390 आ रहा है। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 9 7 से आपका हो जाएगा 63, ठीक है, 9 7 63, 9 0 6 आ जाएगा, 9 1 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा, ठीक है। तो सेविंग कितनी है, 0, आप 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 और 7 13 होता है, और ये हो जाएगा आपका 14, 9 और 14 का मतलब क्या, 9 और 5, तो 5760 आपका क्या हो गया, 57960, ये 5760 जो आपका है ये क्या है, दिस इज योर सेविंग इन द नेक्स्ट मंथ। पिछले महीने कितनी थी भाई, 4500 थी, इस बार 5760 हो गई, कितनी बड़ी है, पहले आप एक्चुअली कैलकुलेट करिए कि कितनी बड़ी हुई है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है। देखिए 5000 के बाद आप काउंट करेंगे तो 760 और 500 इसमें ऐड कर दीजिए, 7 5 12, यानी 1260 का इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में, कितने किस किस में से, 4500 × 200, तो 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपका काम क्या है, अब आपको 45 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए 6 और 6, ये 3 है, ये 45 है, तो ये पूरा पूरा आपका 3 से तो कट ही रहा है, फिलहाल तो 3 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से कट करते हैं, क्योंकि 0 को हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, 0 को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 3 से 15, 3 जा 3, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0, और 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा आपका 5, 8 जा 40 और 5 4 जा 20, ये आपका आ जाएगा 84/3, तो 3 2 6 हो गया, और 1 आपका 2 आपका बचा, 3 8 24, 28% आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका आंसर है, जिनका कुछ लोगों का पॉइंट में मुझे लगता है आ रहा था, पॉइंट में किसका आ रहा था, 27.33 बबीता का आ रहा था, सुमंत का 50.2, नहीं 28 सही आंसर है, सबसे पहले दीपक ने आंसर सही किया था, 28% एग्जैक्ट आंसर है, टाइम टेकिंग नहीं था क्वेश्चन, है ना, बस मैंने यहाँ पे सोल्यूशन आपको करवाया है तभी टाइम टेकिंग लगा है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में मैक्स आपको 1 मिनट का समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करेंगे कि सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में मजा आ रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे सब लोग। विनीता कह रही है, विनीता राइट, हाँ सर साइकोलॉजी, विनीता आई एम नॉट अ टीचर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मैं क्वांट का टीचर हूँ, ठीक है, मैथ्स का टीचर हूँ, और साइकोलॉजी तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं फिलहाल यहाँ पे जीआईटी वाला सेक्शन कवर कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जो आपका मैंने फर्स्ट, चलिए दीपक का भी पेन चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक डिसीजन मेकिंग आपका आने वाला है इस बार, ठीक है, जो आपका जो आप यदि आप अपना क्या कहते हैं, जो अपना आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपका एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, जो आपका इस जीआईटी सेक्शन में आने वाला है वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जीआईटी सेक्शन में एक कंसेप्ट आपका होता है डिसीजन मेकिंग,
वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत, तो वो मैं आपको करवाऊंगा और बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन को आज थोड़ा सा लंबा खींचेंगे 10 बजे से, आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस चल रही है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा और 10 बजे से और भी आगे तक। हालांकि कल क्लास है सुबह अकेडमी पे, बट कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। मजा यदि आप लोगों को आ रहा है तो थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करेंगे। अब हम द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, 73 मत करिए, आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है। 25 बी कम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करना है आपको, क्विकली गाइस, 74 सॉल्व करना है, 74 क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 74। अननेसेसरी चीजें हमेशा की तरह हो गई हैं आपके स्क्रीन पर से इरेज। क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करना है, कम ऑन। ऑप्शन नंबर सी, बैटरी इज गोना डेड सर, मीट यू टुमारो। ओके दीपक, नो प्रॉब्लम, फोन को चार्ज रखा करिए भाई 9 बजे से पहले, ठीक है। 9 बजे तक फुल चार्ज कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करना है। अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। सुजीत सर कह रहे हैं कि नेट स्लो है। हाँ सर, नेट स्लो तो है वहां पे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आप 480 पिक्सल में देख सकते हैं, अपनी जो क्वालिटी है आपकी उसको 480 में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि स्मूथ भी चलेगा और आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ने बबीता ने 73 का बताया होगा मुझे लगता है, लेकिन 3 आपको नहीं करना था। ऑप्शन नंबर ए के साथ गई है इस बार बबीता 74 में, 25%। ओके चलिए, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए, कम ऑन। चलिए गाइस जल्दी से क्विकली, 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा खींचने का मेरा मन है। यदि आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, तो आई एम रेडी विद दिस, अदरवाइज 10 बजे हम लोग एंड कर देंगे। चलिए क्या बात, आंसर नहीं आ रहे हैं। एक नंबर को, जब एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, वह 375 हो जाए। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, मुझे अभी याद आया है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मुझे लगता है वैल्यूज भी उसमें सेम थी, मैं करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए 25, A number is reduced by 25%, B 275, यानी 75% की जो value है वो 225 हो गई। कितनी हो गई? 225 हो गई। By what percent should it be increased so that it becomes 375? तो basically क्या करना है ना, उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है। उल्टे का मतलब ये है कि आपको उल्टा है 225 पे, 225 है 75% की वैल्यू, आपको ये निकाल देना है कि 375 किसकी वैल्यू होगी, बस इतना सा कर दो, ठीक है। तो 75 अपॉन 225 इनटू 375, ठीक है। चलो मैं 375 ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला कट कर देंगे, ठीक है। तो 25 कितना हो जाएगा? 3 जा, ठीक है। 25 3 जा 25, 9 जा 225 हो जाएगा। अब ये 375 देखिए, 7 और 5 12 13 14 15, 3 से कट हो जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 125% आपकी 375 की वैल्यू है, ठीक है। यानी कितना परसेंट बढ़ाया गया भाई, 100 आपका रियल नंबर होता है, किसी नंबर को 25% कम किया 75 आ गया तो 225 है उसकी वैल्यू, उसी नंबर को 25% बढ़ाया तो 375 आ गया, यानी 25% क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। दीपक समझा दिया है मैंने, देखिए 225 75% की वैल्यू हो गई, तो 375 की वैल्यू निकाल दीजिए आप, तो 375 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 अपॉन 225 यूनिटरी मेथड इनटू 375, तो सॉल्व कर देंगे तो 125 आ गया। आपका नंबर कितना होता है? 100 होता है, 25% कम करेंगे तो 75% आ जाएगा, 25% बढ़ाएंगे तो 125% आ जाएगा। इसकी वैल्यू 225 है, इसकी वैल्यू 375 है, तो 375 125% की वैल्यू है, तो कितना बढ़ाया हमने? 25% बढ़ाया। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको समझ में आ गया है? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके एक मिनट दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, वेट अ मिनट गाइस, क्वेश्चन मैं आपको देख के ही दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है, जो क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड में आ रहा है, मेरे जस्ट ऊपर, क्वेश्चन नंबर 79 क्विक, थोड़ा सा लंबा चल रहे हैं सेशन को लेते हुए आज हम लोग, ठीक है। दीपक समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए। क्विकली
देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है। चलिए दीपक, इज इट क्लियर टू ऑल यू? सबको समझ में आ गया है? ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नींद भगा लीजिए। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा चलेगा आज, हम लोगों को पढ़ाई करनी है आज। अपने आप को मोटिवेट करिए, पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं तो जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा और 25 नंबर फुल तभी मिलेंगे जब आप बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ गई है बबीता, यानी 66 2/3%, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए सुमंत, यानी 33 1/3, बहुत डिफरेंट आंसर बी और डी। चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या आता है। डी, बबीता का आंसर डी ही है और सुमंत का आंसर बी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। बाकी विक्रम, दीपक, कम ऑन जल्दी से सॉल्व करिए क्विकली गाइस। एक ऐसी ही प्रैक्टिस चलती रहेगी हमारी तो बहुत मजा आएगा। 25 नंबर तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैथ्स कर रहे हैं, जब हम रीजनिंग करेंगे ना तो फिर तो प्रैक्टिस में इतना मजा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है सभी पार्ट की, सभी टॉपिक्स की, सभी जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, उन सभी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और कोई आंसर नहीं कर रहा है, विक्रम का आंसर भी बी आया है, यानी बी के साथ गए हैं सुमंत और विक्रम, बाकी बबीता ऑप्शन नंबर डी के साथ गई है। चलिए, ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए? क्या बोला गया भाई? ए की सैलरी 50% ज्यादा है किससे? बी से, यानी कि बी 100 है तो ए कितना है आपका? 150 है। आपसे क्या बोला गया है कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए? किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? ए से कंपेयर कर रहे हैं, यदि अपॉन में नीचे क्या आएगा? ए आएगा, 150। ठीक है, कितना कम है? हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस, बी की सैलरी कितनी कम है? 50 कम है, यानी 50 अपॉन 150 × 100। 0 से 0 कट कर दीजिए, 3, यानी 33 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी। यस इट्स बी, नॉट दीपक, इट्स नॉट डी। यस बबीता, आप सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्या बोला गया था? 150 100, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए बी से कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है ए के कंपैरेटिव में? तो ए आपका बेसिक आएगा तो ए नीचे आ गया। 50 अपॉन 150 × 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 100/3, दैट इज 33 1/3%। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 अब है आपके सामने, क्विक गाइस, क्वेश्चन नंबर 80, चलिए बहुत बढ़िया सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करिए, हम जलम पिवामी। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करिए, कम ऑन क्विक। चलिए देखते कौन सबसे पहले आंसर करता है क्वेश्चन नंबर 80 का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस, क्विक। सुमंत ऑप्शन नंबर बी, बबीता 25%, बहुत बढ़िया। बी बी, यानी सुमंत कह रहे हैं 20% और बबीता कह रही है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25%। देखते हैं कौन सही है। तीसरे आंसर का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूं। ठीक है, ये कौन है? मयंक जोशी। व्हाट इज दिस कमेंट? चलिए जो भी है, मयंक स्वागत है आपका क्यूट्रिक्स पे, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू, वेलकम यू इन क्यूट्रिक्स। चलिए विक्रम का भी आंसर बी आया है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन दैट पपियाज सैलरी, देन व्हाट देन परसेंटेज बाय विच पपियाज सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी? यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? नीता से कंपेयर कर रहे हैं। इस चीज को मैं बार बार हाईलाइट करता हूं जिससे कि आप गलती ना करें। नीता की सैलरी 25% ज्यादा है पपिया से, यानी पपिया यदि 100 है तो नीता होगी 125। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? नीता से कंपेयर कर रहे हैं। नीता की सैलरी कितनी है? 125 है ना? तो क्या बोला गया आपसे? पपिया की सैलरी नीता से कितनी कम है? कितनी कम है? 25 कम है। किससे? 125, यानी 25 अपॉन 125 × 100,
20% आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बबीता, यू आर रॉन्ग। कहां पे गलती कर दी? मुझे लगता है कहां गलती करी है आपने। चलिए कहां गलती करी है बबीता ने, मुझे नहीं। 25 कैसे आ गया बबीता आंसर आपका? 25 आपका आया होगा। आपने 100 रख दिया नीचे, आपने नीचे 100 रख दिया, राइट? हाँ नीचे 100 रख दिया आपने, आपने 100। देखिए नीता से कंपेयर कर रहे हैं और नीता की सैलरी कितनी है? 125 है। ये गलती मत करिएगा बबीता, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन में बार बार हाईलाइट करता हूँ नीता से, देन नीता जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, वो आपका 100% के इक्वल होगा। ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको पहले या दूसरे सेशन में परसेंटेज के मुझे लगता है मैं बता चुका हूँ। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? लर्नर्स कम होते जा रहे हैं, क्या बात है। सो रहे हैं क्या सब लोग? सो गए तो कैसे होगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए एक और वैसे क्वेश्चन, एक और वैसा ही क्वेश्चन 83, बस थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन में, क्विकली सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 83, थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन में, सॉल्व करिए। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसीराम सेव्स ₹720 व्हिच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, देन कश्यप सैलरी इज। चलिए तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम ₹720 की बचत करता है तो उसके जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन निकालिए क्विकली। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। मैं यदि एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देता, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, हम पूरा पेपर भी सेट करते हैं। यदि किसी को डाउट है कि पेपर मैं कैसा कह रहा हूँ, मैं एग्जामिनर होता, अनअकैडमी में हम लोग क्विज करवाते हैं। ठीक है बच्चों के, जो बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं उनके क्विज करवाते हैं, तो क्विज में हम लोग पूरा पेपर बनाते हैं, जो 1 घंटे का पूरा पेपर होता है उसमें पूरा पेपर बनाया जाता है और उस पेपर को बच्चे सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि मैं एग्जामिनर होता आपके एग्जाम का, जैसे मैंने आपका एग्जाम ऑब्जर्व किया है, आपके पुराने पेपर्स, आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल मैं देना चाहता एग्जाम में और बिल्कुल देता। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्विकली। चलिए 10:15 तक करेंगे क्लास आज, ठीक है, या उससे पहले एंड करनी है तो उससे पहले बता दीजिए, एंड कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहें तो अभी एंड कर ले, हम आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा है, प्रैक्टिस सेशन है तो ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। चलिए कम ऑन क्विक, क्या हो गया? नो आंसर्स येट। बहुत ज्यादा जो लोग क्लास में पहली बार हैं, यदि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो डेफिनेटली पुराने सेशंस को जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उनको नहीं देखेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। 25 नंबर स्कोर करने हैं, नहीं करना है 25 स्कोर करने है, तो एक भी लेसन नहीं छोड़ना है, और एक भी सेशन छोड़ा तो 25 में से एक नंबर तो गया। ठीक है, और 25 नंबर स्कोर करने हैं, सेशन को बार बार देखना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो बार बार देखोगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो आप एक ही बार देखना, फिर पॉज करके क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेशन में कोशिश करिए कि रात 9 बजे लाइव हो जाएं। अभी तक कोई आंसर नहीं है तो मैं सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ। देखिए तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप, जो तुलसीराम की सैलरी है वो कश्यप से 20% ज्यादा है। ठीक है, इफ तुलसीराम सेव ₹720 व्हिच इज 4%, इधर देखिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए, तुलसीराम कितने रुपए ज्यादा? ₹720 सेविंग है उसकी, जो उसकी सैलरी का 4% है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो ध्यान दीजिएगा, 4% की जो वैल्यू है वो 720 है। मान लेते हैं कि तुलसीराम की सैलरी कितनी है, 100% है, तो 4% की वैल्यू 720 होगी। आपको उसकी सैलरी निकालनी है तो 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितनी हो जाएगी, 720/4 × 100। ठीक है, 18 × 4 कितना होता है, 72 होता है, तो ये 18 टाइम्स कट गया, यानी 18,000 कितनी हो गई तुलसीराम की सैलरी हो गई। कितनी होगी तुलसीराम की सैलरी? तुलसीराम की सैलरी हुई 18,000, 18,000। ठीक है, मैं इधर उधर लिख रहा हूँ जहां पे व्हाइट मुझे मिल रहा है। तो क्या बोला गया, जो तुलसीराम की सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप की सैलरी, यानी जो तुलसीराम और कश्यप की सैलरी में जो डिफरेंस है वो ये है, तुलसीराम की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। जरा इस चीज को ध्यान से समझिए, यहां तक सबको क्लियर है कि हमने तुलसीराम की सैलरी कैसे निकाली? तुलसीराम बचाता है ₹720 और वो 4% है उसकी सैलरी का, तो 4% की वैल्यू 720 हो गई, 100% की हमने निकाल ली। अब बाकी सब भूल जाइए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए तुलसीराम की जो सैलरी, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ है, आपसे बोला गया है कि कश्यप की जो जो कश्यप तुलसीराम की सैलरी है वो 18,000 रुपए है
और तुलसीराम की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो 20% ज्यादा का क्या मतलब है भाई, तुलसीराम की जो सैलरी है वो 20% ज्यादा है कश्यप से। ठीक है, तो यानी जो 18,000 है कश्यप की सैलरी, आप 100% मान लिया, तो यदि कश्यप की सैलरी आप 100% एज्यूम कर रहे हो तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% की वैल्यू हो जाएगी 18,000, 18,000। आपको कश्यप की सैलरी निकालनी है यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी 18,000 18,000 अपॉन 120 × 200 करना था, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, समझ में आया, तुलसीराम की सैलरी कितनी है, 20% ज्यादा है, तुलसीराम की सैलरी तो 18,000 है यानी 120% है, 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब जब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा, 15 टाइम्स कटेगा 180, तो 15,000 आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो गया भाई, थक गए क्या, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी थक जाएंगे तो कैसे चलेगा, जागो जागो, 15,000 बबीता का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक और 84th क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 84th सॉल्व करिएगा इस जल्दी से क्विकली। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, देन द फर्स्ट नंबर आपसे बोला गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है, जो ये आपका वाटर मार्क है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विजिबल है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं बोल दे रहा हूँ। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। चलिए क्विकली, कम ऑन सॉल्व करिए जल्दी से, नींद तो नहीं आ रही ना किसी को, नींद आ रही है तो भगा दीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है इस समय, जी जान लगानी पड़ेगी, कंपटीशन पूरे उत्तराखंड का नहीं है, उससे भी ज्यादा है। कैसे मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि आप उत्तराखंड में हैं और भी बच्चे उत्तराखंड में हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे लर्नर्स ऐसे होंगे जो उत्तराखंड से बाहर दिल्ली में, इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑलरेडी पहले से, हो सकता है वो तहसीलदार की या यूके पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनसे कम्पीट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं सुमंत, तो टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज बाय विच सेकेंड नंबर इज लेस देन द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर। चलिए विक्रम का, सॉरी बबीता का आंसर नहीं आया है, विक्रम का नहीं आया है, बबीता का भी आंसर आ गया 10%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, थर्ड नंबर फिर से वही, थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, 100% हो गया या 100 हो गया। ठीक है, टू नंबर्स लेस देन 30%, 30% लेस का मतलब है 70 हो गया, 37% लेस का मतलब है 43 हो गया, नहीं 37 बोला गया ना, तो 43 नहीं होगा, एक मिनट मैंने गलत समझ लिया है, तो यदि 40% लेस होता तो आपका ये 60 होता, यानी 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 हो जाएगा, तो आपसे बोला गया है कि द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, लेस देन बोला गया ना, लेस देन यानी कितना कम है, तो कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो 7/70 × 100 हो जाएगा। सर पहले वाले क्वेश्चन में कश्यप को 100% नहीं मान सकते थे, तब आंसर तो गलत आ रहा है। अच्छा ठीक है सुमंत, मैं उस क्वेश्चन में दोबारा स्विच कर रहा हूं, अब एक मिनट वेट करिएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 10 से 10 कट गया, एक मिनट इसका आंसर तो आपका कुछ और आ रहा है, 7% हो गया पहले, देन फर्स्ट से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो 7/70 × 100 आपको करना था, तो ये कट हो गया 7 से 7 10%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आंसर है 10%। चलिए कश्यप वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुमंत का डाउट क्लियर करते हैं। तो सुमंत क्या कहना चाह रहे हैं कि सर पहले वाले क्वेश्चन में कश्यप को 100% नहीं मान सकते थे, तब आंसर तो गलत आ रहा। देखिए कश्यप तो बात की बात है सुमंत, कश्यप जो है वो बात की बात है, वो हमने 100% जो बाद में माना है, ठीक है, कश्यप है बाद की बात। पहले हमने क्या किया, तुलसीराम की सैलरी को निकाल लिया, तुलसीराम की जो सैलरी है वो हमने निकाल ली, उसके बाद आप जो आप कह रहे हैं कि कश्यप को 100% नहीं मान सकते, या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, पहले तो मैं इसी बात पे कंफ्यूज हूं। ठीक है, तो 100% इसीलिए हमने माना है क्योंकि तुलसीराम की जो सैलरी है, देखो आप ना ये 18,000 भूल जाओ जरा, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, रुको आप एक मिनट रुक जाओ, बस मैं इरेज करके आपका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जगह की थोड़ा सा कमी होती है पीडीएफ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मैनेज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए तुलसीराम की सैलरी पूछ रहा हूँ, अच्छा ठीक है सुमंत, मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ,
तुलसीराम की सैलरी आप 18,000 अपनी निकाल दी, भूल जाओ, आपने कुछ पहले अज्यूम किया था, भूल जाओ। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन, आपको ये दिया हुआ है, मान लो कि तुलसीराम की सैलरी 18,000 रुपए है और तुलसीराम की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा है, ये आपसे बोला गया है। क्या बोला गया है कि तुलसीराम की जो सैलरी है, सर जो आपने बताया वो क्लियर है, अच्छा वो क्लियर है, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कश्यप को 100% नहीं मान सकते थे, कश्यप को तो 100 ही माना है ना कश्यप सुमंत। देखो कैसे, तुलसीराम और कश्यप दो लोग हैं, तो तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है, तो कश्यप को हमने 100 माना, तभी तो तुलसीराम 120% आया। और यदि आप ये कह रहे हैं कि शुरू में कश्यप को 100 अज्यूम करें, ठीक है, यदि आप ये कह रहे हैं कि शुरू में एकदम एट फर्स्ट हम लोग यदि कश्यप को उसको 100 अज्यूम करें, ये कह रहे हैं ना आप कि कश्यप 100 हो गया, ठीक है, तो तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है तो 120 हो गई तुलसीराम की सैलरी, आप यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। तो अब आपसे, आपने क्या कहा कि तुलसीराम बचाता कितना है, 720 बचाता है और वो 4% है उसकी सैलरी का, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो 4% होगा वो 4 नहीं होगा, है ना, वो 120 का 4% होगा। हाँ, स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं मैं सुमंत आपको, पहले हमने 100 का 4% लिया था, अब ऐसे भी कर सकते हैं, आपने कश्यप की सैलरी 100 ले ली, तुलसीराम की 120 ले ली, ठीक है, तो तुलसीराम की सैलरी का 4%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं सुमंत, 100 हमने कश्यप की ले ली, गलत आ रहा है ना, अभी देखते हैं सही आ जाएगा, बिल्कुल कश्यप की सैलरी 100% ले ली, तो तुलसीराम की सैलरी 120 हो गई। अब जो 4% है वो 120 का 4% आप निकालोगे, 120 है ना उसकी सैलरी, आप 120 मान रहे हो, अब 100 नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 4 अपॉन 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8, तो 4.8 की वैल्यू जो है वो 720 है ना। अब आप 120 की वैल्यू निकालोगे, 120 की वैल्यू निकालोगे, है ना, तो 120 की जो वैल्यू निकालोगे ना तो वो आ जाएगी आपकी 18,000, ठीक है। आप यदि यहाँ पे 100 की निकालोगे तो गलत होगा, क्योंकि आप 120 मान चुके, क्योंकि 100 तो कश्यप है, ठीक है, यस ओके, मैं समझ गया आपका डाउट, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आप 120 की वैल्यू निकालोगे तो ये 18,000 आएगी, फिर तो आपके पास चॉइस है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, गॉट इट, चलो वेल डन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर अब, अरे बाप रे 10-17 हो गए, किसी को लेट तो नहीं हो रहा है, बता दो, किसी को देर हो रही है तो मैं जाता हूं, किसी को देर हो रही है तो बता दे, चलते हैं, बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेक मी कंफर्म कि आप लोगों को देर तो नहीं हो रही है, सोना तो नहीं है किसी को, सोना तो नहीं है किसी को, रेस्ट तो नहीं करना है या कुछ और तो नहीं पढ़ने जाना है, किसी और क्लास में तो नहीं जाना है, वेलकम सुमंत, ऑलवेज वेलकम डियर। चलो बता दो जरा एक बार कि हाँ सर आराम करते हैं, बहुत हो गई है क्लास, यदि किसी को ऐसा लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिए, तो क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं कमेंट में बता दीजिए या कमेंट में 85 का आंसर दे दीजिए। यदि विजिबल नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मीता की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है, 25% मोर देन दैट ऑफ सीता है, तो व्हाट परसेंट ऑफ सीता'स इनकम इज लेस देन मीता, आपसे पूछा गया है कि मीता की जो आय है वो गीता से 25% अधिक है, तो सीता की आय मीता से कितनी प्रतिशत कम है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि हाँ सर अब बहुत हो गया है, अब कल पढ़ेंगे, और यदि कोई ऐसा नहीं कह रहा है तो ये भी बता दो कि हाँ और 10 मिनट हम क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं मैं क्यों आज, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ाऊं, मैं क्लास को कंटिन्यू करूं, बाकी आपकी इच्छा है, कोई तो अभी तक कमेंट नहीं कर रहा है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए सब लोग, चलिए बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही रखा करेंगे कि बहुत लंबे लंबे चले, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी पूरी क्लास में, मैं आपसे दिन भर, आज दिन भर का मतलब है पूरी क्लास में आपसे कह रहा हूं मैं। सुमंत गए ऑप्शन नंबर डी के साथ 20%, बबीता विक्रम यदि आप लोग क्लास में हैं तो बताइए कि कौन सा इसका आंसर है, सुमंत आंसर कर चुके, नो प्रॉब्लम सर, वी कैन कंटिन्यू, ओके बबीता दैट्स गुड, ऑप्शन नंबर डी के साथ भी गई है बबीता, सुमंत क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 मिनट और कर लेते हैं, चलिए 10:30 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 10:15 से 10:30 तक पहुंचते हैं। सेशन को शेयर जरूर करना गाइज, और प्रैक्टिस सेशन में 9 बजे जरूर पहुंच जाना, ठीक है। चलिए, मीताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता, व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता, बोला गया था आपसे, तो मीता की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है सीता से, ठीक है ना, तो भाई मीता हो गई और सीता हो गई, तो सीता हो गई 100, मीता हो गई 125, क्या पूछा गया है कि दैट ऑफ मीता से कंपेयर करना है, तो 25 का डिफरेंस है, तो 25 अपॉन 125 इनटू 100 करना था, ठीक है, 5 5 2 10 20% आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, जो बाकी क्वेश्चंस है ना वो एकदम सेम है, 86 वाला भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो है सारे ही सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तो एक जैसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करने की। बहुत सारे क्वेश्चन आज हो गए हैं, कोई गिनती नहीं है क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने तो, मुझे जहां तक याद है, हम लोगों ने 59 से शुरू किया था और 90 पे पहुंच गए हैं। देखिए बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं आज, कुछ एक आध क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं बीच में भले ही, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं आज। तो 90 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके सामने है। यदि दिक्कत कर रहा है विजिबिलिटी में तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। इफ ए एक्सीड्स बी बाय 60% एंड बी इज लेस देन सी बाय 20% देन ए रेशियो सी इज, आपसे बोला गया है कि ए, यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा, 32:25 होगा या 8:5 होगा या 25:32 होगा या 4:5 होगा। ठीक है, चलिए आप लोग के कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको भी जरूर बताएं क्लास के बारे में कि जो प्रैक्टिस सेशन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, तो वो लोग भी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बी 80 से 20% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा, क्विक गाइस, जल्दी से कमेंट, कम ऑन, क्वेश्चन करिए सॉल्व, जल्दी से करिए सॉल्व। चलिए सुमंत, पपीता, बहुत अच्छा, आप लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, विक्रम भी क्लास में है, जितने लोग भी क्लास में, आप लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पूर्ण एग्जाम इस बार 25 नंबर लेके आएंगे हम किसी भी सूरत पे, और आएंगे हमारे 25 नंबर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, रीजनिंग शुरू करेंगे जल्दी ही अर्थमेटिक के सेक्शन को कंप्लीट करके, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कम ऑन गाइस, जल्दी से, जल्दी जल्दी, आसान क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना टाइम आपको लग रहा है। बबीता गई ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 32:25। कम ऑन बाकी लोग जो क्लास में हैं, जल्दी से बताएं कौन कितना आंसर है, ए आंसर है या बी आंसर है या सी आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कह रही है बबीता, यानी 32:25। यस बबीता, आई गॉट योर आंसर। सुमंत आंसर करिए, काफी लोग क्लास में दिख रहे हैं मुझे बट आंसर नहीं कर रहे हैं। दीपक शायद क्लास में नहीं है, दीपक जा चुके हैं मे बी, जो पुराने सेशन से उनको देखते रहिएगा गाइस, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, थोड़ा बीच में प्रमोशन होते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया भाई, ए एक्सीड्स बाय बी बाय 60% एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ ऐसे क्वेश्चन में कि आप सी से शुरुआत करेंगे, है ना, यानी सी यदि 100% है तो बी इज लेस देन सी बाय 20%, यानी लेस देन सी से 20%, यानी बी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, सी यदि 80 है भाई, देखिए क्या कोइंसिडेंस, सी से मैच हो गया, मुझे लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो सी आपका 100 आपने अज्यूम कर लिया तो बी आपका 80 हो जाएगा क्योंकि 20% कम है। ए जो है बी से 60% अधिक है तो ए, अरे वाह यहाँ भी मैच कर गया देखो, तो ए जो है बी से 60% अधिक है तो 160% ऑफ 80 निकालेंगे आप। ठीक है, और 160% ऑफ 80 क्योंकि 60% ज्यादा है, क्या करना है आपको, 160% ऑफ 80, 60% ज्यादा में तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। 16 8 कितना होता है, 16 8 आपका होता है 128, कितना होता है 128 होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है, तो 128 अपॉन 100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप 4 से कट कर दीजिए। ठीक है, तो 4 3 12, 4 2 8 और 25 100, 32:25 आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी का आंसर नहीं आया बबीता के अलावा, क्या कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, अभी भी एक बार कंफर्म करेंगे कि सर क्लियर है, क्लियर नहीं है तो एक बार बताएंगे कि हाँ सर दिक्कत है अभी भी इस क्वेश्चन में। 6 मिनट में और आप लोगों के लूंगा आज, हालांकि मैं तो और पढ़ा सकता हूँ आज क्योंकि मजा आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के साथ क्वेश्चन करने में, बट बहुत टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, ठंड भी बहुत ज्यादा है मुझे लगता है। तो 91 क्वेश्चन करिए सॉल्व। देखिए डेटा आपको थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है विक्रम, बहुत बढ़िया। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ द स्टूडेंट्स पास एंड 259 फेल, जो फेल बच्चे हैं वो 259 है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, क्या बोला गया, परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्विकली कौन देता है इसका आंसर, सबसे पहले देखते हैं,
बबीता या विक्रम या सुमंत या जो भी लोग क्लास में हैं जिनका नाम मुझे पता है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया। एक परीक्षा में 93% छात्र बबीता ने सबसे पहला आंसर किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 3700। चलिए बहुत बढ़िया। कम ऑन गाइस, जल्दी से सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया, 3700। देखिए 93% फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो फेल 7% है, यानी जो 7% की वैल्यू है वो 259 है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 73 से 21, 77 से 49, 100 का 20 यहां पे आ ही जाता, 3700 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ। सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना है ना, गोल्ड वाला सोना। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, ठीक है, 100% प्योर गोल्ड, देन द परसेंटेज ऑफ द प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट ऑफ गोल्ड। एक बात मैं आपको बता दूं, ये साइंस का क्वेश्चन हो सकता है कि जो जिसके हमारे पास गहने बनते हैं ना, जो सुनार से हम गहने बनवाते हैं, वो कभी भी 24 कैरेट वो बोलता है, लेकिन 24 कैरेट होता नहीं है, 22 कैरेट का ही होता है। क्यों? 2 कैरेट उसमें 2% या जो भी हम कहें उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, क्योंकि सोना यदि 24 कैरेट का होगा तो वो इतना सॉफ्ट होगा कि जिस भी डिजाइन में आपने अपने गोल्ड को कन्वर्ट कराया है वो डिजाइन नहीं रह जाएगा, इतना सॉफ्ट होगा। एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, वैसे मैं मैथ्स का टीचर हूं। चलिए मैथ्स, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, 24 कैरेट प्योर गोल्ड को कहा जाता है, तो परसेंटेज ऑफ द प्योर गोल्ड इन 22% कैरेट गोल्ड कितना होगा? 24 कैरेट का मतलब है आपका 100%, तो 22 कैरेट में कितना प्रतिशत प्योर गोल्ड होगा आपसे पूछा गया है। चलिए कम ऑन, कोशिश करिए सॉल्व करने की, हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं आप लोग सॉल्व, करिए। कम ऑन गाइस, कर सकते हैं आप लोग। चलिए जल्दी से करिए। सुमन, मुझे लगता है कि जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जरा उसमें कोशिश करिए, मुझे ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है ना वो फ्रैक्शन वैल्यू है, ऑप्शन जो आपके हैं वो फ्रैक्शन वैल्यू में दिए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आपने बताया है क्या अभी, या ये पहले का है? मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं विक्रम, 91 2/3%। चलिए बहुत बढ़िया, कम ऑन क्विक। सुमंत, कौन सा आंसर आपका है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है या ए है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो बहुत मैटर करते हैं। बबीता का भी ऑप्शन नंबर बी आया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, आपसे बोला गया था कि 24 कैरेट 100% के इक्वल है, तो ये कितना परसेंट होगा? सिंपल सी बात है, 100% आपका 24 है, तो आपको परसेंटेज निकालना है, आपको जस्ट उल्टा लिखना था, ठीक है, यानी 24 की वैल्यू कितनी हो गई, 100% हो गई, आपको 22 की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज 100 अपॉन 24 इनटू 22 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 3 से, आप किससे कट कर देंगे, 2 से कट कर दीजिए, ठीक है, तो 2 से जब आप कट करेंगे 4 से कट कर दें, 4 3 12 25, तो ये 25 into 11 आपका 275 होता है, मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था, जब भी आप किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 into 7/3, यानी इसका आंसर होगा, दैट इज 91, आप कैसे कह रहे हैं, जरा 91 से मल्टीप्लाई करें क्या, 3 1 3 3 9 27, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है, 273, यानी 275/3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Got it everyone? सबको क्लियर हो गया होगा, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं लाइव जरूर आइए रात को 9 बजे, आप लोग को बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 93rd क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 1.5 घंटे की हमारी क्लास थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए क्विक। क्वेश्चन नंबर 93, 30% ऑफ
A is added to 40% of B. The answer is 80% of B. What percentage of A is B? Come on. यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर B का 80% आता है. तो A का कितना प्रतिशत B है? Come on guys, जल्दी से सर कर सकते हैं सॉल्व. 30% of A is added to 40% of B gives 80% of B. आसान क्वेश्चन है, जल्दी से अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का. बहुत लंबी हमने क्लास आज खींच दी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेशन हमारे इतने ही लंबे रहें. थोड़ा प्रैक्टिस सेशन लंबे रहेंगे तो आसान रहेगा. बार्किंग डॉग्स आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, रात के 10:30 बज गए हैं तो थोड़ा सा भी साउंड होती है तो होता ही है, इग्नोर करिएगा आवाज को, थोड़ा सा नॉइस को, क्योंकि जो मेरा माइक है वो उसका कुछ पार्ट लाना पड़ेगा मार्केट से, इसीलिए मैं लैपटॉप का ही माइक अभी यूज कर रहा हूँ फिलहाल, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड नॉइस को. चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए. 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी. द आंसर इज 80% ऑफ बी. व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी. बहुत आसान क्वेश्चन है. अप्रोच क्या रखनी है आपको, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी अप्रोच क्या है. देखिए मैं बता दे रहा हूं, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी प्लस 40% ऑफ बी. ठीक है, 40% ऑफ बी. ठीक है, डी, डी आंसर बता रहे हैं सुमंत और बबीता. चलिए 40% ऑफ बी गिव्स 80% ऑफ बी, ये आपसे बोला गया है. ठीक है, समझ में आ गया. अब इस 40% ऑफ बी को हम इक्वल के इधर लेके जाएं तो 80-40 हो जाएगा, यानी 30A की जो वैल्यू होगी वो 40B के इक्वल हो जाएगी. इतना अंडरस्टूड है सभी को? 30A की वैल्यू 40B के इक्वल हो जाएगी, यानी 40%. देखिए परसेंटेज में क्या होता है, अपॉन 100 होता है तो अपॉन 100 से अपॉन 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा, वो मैटर नहीं करता है. ठीक है, ये सब चीजें आप सोच समझा करिए. 30% ऑफ A = 40% ऑफ B. ओके, परसेंटेज में नहीं लिखा हूं क्योंकि 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. B को इधर लेके आएंगे तो A अपॉन B कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो A का कितना प्रतिशत B है, व्हाट परसेंट ऑफ A ऑफ A, यानी अपॉन में A आएगा, अपॉन में 4 आ गया, इज B 3/4. ठीक है, 4 से आपका कैंसिल हो गया तो ये आपका 25, 3 = 75 होता है. ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, दैट इज सुमन और बबीता का आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज्यादा साथ निभाया. 1.5 घंटे की क्लास हमारी थी, बहुत मजा आया मुझे तो. आप लोगों को कैसा लगा सेशन जरूर बताइए, कैसा लगा सेशन सुमन बबीता, जितने लोग भी क्लास में हैं या जो लोग रिकॉर्डेड देखे हैं शुरू से लेकर एंड तक, वो लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाउ वॉज द सेशन, कैसा आपको सेशन आज का लगा है जरूर बताइए. ठीक है, क्विकली कम ऑन, क्विकली जल्दी से सॉल्व करके बताइए, सॉल्व नहीं बताइए कमेंट में कि कैसा लगा है आज का सेशन. मैं कुछ देख रहा हूं, चलिए जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का सेशन. एंजॉयड अ लॉट. ओके बबीता, थैंक्स सर, इट वॉज अ ग्रेट सेशन. ओके विक्रम, वेलकम वेलकम. तो कोशिश करिएगा कि लाइव सेशन में, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कोशिश करिएगा कि लाइव सेशन में जो है आप लोग इसी तरह आते रहें. और प्रैक्टिस सेशन का हमारा पहला सीरीज था, है ना, पहला आपका लेक्चर था प्रैक्टिस सेशन का, तो बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने, मैंने भी आप लोगों के साथ एंजॉय किया. ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट सेशन में आप लोग रहेंगे प्रैक्टिस सेशन में, मजा आएगा. ठीक है, इसी तरीके से बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे. नीड दिस टाइप ऑफ क्लास, बिल्कुल सुमन बिल्कुल लेंगे इस टाइप की क्लास आपके लिए. ठीक है, चलिए मोर एंड मोर, बिल्कुल सुमन बिल्कुल कोशिश करेंगे और भी क्लासेस आपके लिए ले सकें. ठीक है, चलिए तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. शेयर जरूर करिए वीडियो को, लाइक करिए शेयर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिए, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एक नई चीज, आप लोग चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी पे आपको जाके ऐप में जाके या वेबसाइट पे जाके आपको मेरा नाम सर्च करना है, नीरज हालदार. ठीक है, NEERAJHALDAR आपको सर्च करना है. और आप चाहें तो जो बैंकिंग एग्जाम के आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. स्पेशल क्लास मैं अब नहीं देता हूं वहां पे, फ्री क्लासेस मेरी वहां पे 90 के आसपास फ्री क्लासेस मेरी वहां पे हैं, वो चाहे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं. बाकी अभी मेरे पेड कोर्स वहां पे चलते हैं, तो 90 प्लस क्लासेस, लगभग मेरे ख्याल से 90 या 91 क्लासेस वहां पे मेरी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं DI की, है ना. तो उनको बच्चे देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे. एक और चीज, ठीक है, जो लोग आप लोग जो भी लाइव हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, यदि किसी को बैंक का सब्सक्रिप्शन चाहिए, बैंकिंग एग्जाम का अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो 10% डिस्काउंट मिल सकता है आपको मेरे इस कोड के साथ, जो है HALDARNEERAJ.
हाल अगर नीरज यदि आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं उसमें ये कोड यूज करते हैं आप, तो आपको किसी भी कोर्स पे जो भी उसका प्राइस रहेगा उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और रात को 9 बजे फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। थोड़ा सा प्रमोशन कभी कभी जरूरी है, देखिए मैं सीधे बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन कभी कभी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए क्यूट्रिक्स के साथ, मेरे साथ और भी अदर जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।